हेलो एवरीवन, आगे बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करते हैं, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा। ये है स्टॉक एक्सचेंज, मेरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर मैं सारी चीज़ों में ट्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्ट और ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज। ये सारे के सारे मेरे पास प्लेटफॉर्म है श्रेया, इक्विटी का प्लेटफॉर्म है, ETF का प्लेटफॉर्म है, फ्यूचर्स का, ऑप्शंस का, करेंसी का, कमोडिटीज़ का, है ना। ये सारे एक प्रकार के ये डेरिवेटिव्स ही हैं, है ना। जैसे अगर हम ETF पे जाएं, याद है ना, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स, ठीक है। करेंसी के अंदर हम गए तो करेंसी के अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, ठीक है। तो जहाँ पर बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेड करते हैं, सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव एक्सेट्रा। इस तरह का जो ट्रेड है, इट टेक्स प्लेस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मींस। यहाँ पर हम क्या मुंबई जा रहे हैं क्या, या कहीं और जा रहे हैं क्या, या फिर घर बैठे ट्रेड कर सकते हैं। मुझे अगर किसी को भी अगर ख़रीदना है, मुझे अदानी पावर को ख़रीदना है, अगर मुझे मैं बस एक बाय के बटन पर दबाऊँ और बस वॉलेट में पैसे डालूँ, तो ये 284 रुपीज़ डालकर मैं एक शेयर खरीद सकता हूँ इसका, राइट। उसके बाद प्राइस जो होती है सिक्योरिटी की, इट इज़ अफेक्टेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी। अच्छा, अदानी पावर का ये जो रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, यहाँ पर देखना 264.60, 284.70, ये बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, 75 क्यों हो रहा है ये ऊपर नीचे बार बार। यहाँ पर मैं अगर एक मिनट पे जाऊँ, ये देखो कैंडल आपके सामने, देखो श्रेया बुल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, बियर एक्टिवेट हो रहे हैं क्योंकि रेड कैंडल है, फिर बुल एक्टिवेट हो गए। अब फ्रेश कैंडल बनी अगले मिनट की, बुल एक्टिवेट है, फिर बुल एक्टिवेट हो गए। अभी भी बोली एक्टिवेट है क्योंकि कैटल ग्रीन है। अब बियर एक्टिवेट हो गए, मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर बुल एक्टिवेट हो गए, ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है बार बार, ये डिमांड एंड सप्लाई ही तो चल रही है सिक्योरिटीज़ के अंदर, बताओ। डिमांड एंड सप्लाई तो चल रही है कि नहीं, है ऐसा। तो इट मे बी नोटेड दैट सच सिक्योरिटी फॉर बींग ट्रेडेड मस्ट बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो वो आपके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। मैं अदानी पावर को ख़रीदना चाहता हूँ तो अदानी पावर अवेलेबल होना चाहिए ना यहाँ पर, तभी तो खरीद पाऊँगा कि नहीं, है ना। उसके बाद आपको पता है कि कभी भी शेयर्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले देयर इज एन IPO, है ना। IPO के बाद कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है, बट दे हैव टू मीट द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ताकि वो सेबी के सामने ये प्रूव कर सकें वो किसी भी तरह की फ्रॉड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे एंड इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करवाएंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग आपको पता है, जैसे मैंने कल लास्ट क्लास में, रात की क्लास में मैंने आपको वो मैन्युपुलेटिव स्टॉक्स बताए थे, उन जिनका कोई चार्ट ही नहीं होता, सीढ़ी की तरह ऊपर नीचे बढ़ रहे थे ऐसे, जिसमें याद है ये ऐसे 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 करके ऊपर नीचे जा रहे थे, कोई बेस ही नहीं था पूरी प्रॉपर तरीके से, है ना, कुछ भी कैसे भी मूवमेंट दे रहे थे, राइट। जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं
दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड कैपिटल, है ना। हमने पढ़ा था ना इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन में कि स्टॉक मार्केट इन्वेंटी क्यों हुई थी या स्टॉक मार्केट का पर्पज ही क्या होता है। किसी भी बिजनेस के पास अपना खुद का इतना पैसा होता नहीं है, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा सेविंग या एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ा होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि आप इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। और कंपनीज को क्या मिल जाता है इससे, कंपनीज को जो कंपनी ग्रोथ करना चाह रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, उनको उसके लिए पैसा मिल जाता है, राइट। तो रेजिंग फंड्स फॉर द कॉर्पोरेट्स एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया जो है, अच्छा इनसे स्टॉक एक्सचेंज से ये सब फायदा होता है, मोबिलाइजिंग कैपिटल सेविंग्स, रेजिंग फंड्स फॉर कॉर्पोरेट्स एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जब कंपनीज के पास पैसा आएगा वो बड़ी सारी एक्टिविटीज़ करेंगी, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगी, तो ऑब्वियसली बात है कई लोगों को जॉब मिलेगी, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ से प्रमोट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इंडिया अभी ना T+2 सेटलमेंट साइकिल के सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है। अब ये T+2 क्या होता है, टी होता है आपका ट्रेडिंग डे, और +2 होता है +2 days। मान लो श्रेया, जिसमें हमने अदानी पावर के अंदर कुनाल कुछ पैसा लगाया, मान लो कि ट्रेडिंग का हम कर रहे हैं, आज इन्वेस्टिंग नहीं करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे इसको कहते हैं, और हमने यहाँ पर ट्रेडिंग करके ऐसे कुछ पैसा कमाया, कितना भी कमाया, 2000 कमाया, 5000 कमाया, कुछ भी करा हमने, पैसा कमाया, ओके। वो पैसा मेरे वॉलेट में आ जाएगा, वो पैसा मेरे वॉलेट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वो पैसा ना श्रेया इमीडिएटली नहीं आएगा मेरे वॉलेट के अंदर। आज ट्रेडिंग करी ना मैंने 3:30 बजे, मार्केट अगर बंद भी हो गया आज नहीं आएगा। मैंने आज जो प्रॉफिट कमाया है वो मेरा कौन सा डे है, ट्रेडिंग डे, और आज ट्रेडिंग डे कौन सा डे है, थर्सडे। अब ट्रेडिंग डे से 2 डे और काउंट कर लो, फ्राइडे और सैटरडे, तो मेरा पैसा कब आएगा, मेरा पैसा मेरे पास किस दिन तक आएगा, 19 तारीख को। अब लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट तो मंडे से फ्राइडे तक खुली रहती है, इंडियन स्टॉक मार्केट तो मंडे से फ्राइडे तक खुली रहती है। अगर मैं कल ट्रेड कर रहा होता 18 तारीख को और कल मुझे प्रॉफिट होता, तो पैसा कब आता, ट्रेडिंग डे 18 +2 1 2 कब आना चाहिए, 20 को। लेकिन 20 को जब भी हॉलिडे पड़ता है ना तो हॉलिडे के बाद आता है, यानी कि अगर जो मेरा पैसा आज जो मैं ट्रेडिंग करके कमाऊंगा 17 तारीख है, आना चाहिए 19 को, लेकिन सैटरडे संडे ऑफ है, तो वो मुझे कब अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, कितनी तारीख को, 21 तारीख को। वहीं अगर मैं मंडे को ट्रेडिंग डे अपना बना रहा हूं तो वो पैसा कब आ जाएगा मेरे पास, 1+2 मंडे को बना रहा हूं ना, 16 तारीख को, ठीक है। ट्यूसडे ट्रेडिंग डे 1+2 17 तारीख को, वेनसडे 16 तारीख ट्रेडिंग डे 1+2 18 तारीख को। ये होता है T+2 साइकिल, ये फॉलो होती है हमारे देश में, सबको समझ में आया, बताओ। पहले एक दिन क्या आ जाता, पहले एक दिन में मतलब इन द सेंस कि ट्रेडिंग डे +1 पे आ जाता था, अब 2 दिन में सेटलमेंट होती है, यानी कि पैसा आने में टोटल कितना दिन लगेगा, अब इसमें 2.5 से 3 दिन कुल मिलाकर बात अगर ऐसे समझनी है तो, ठीक है, 2.5 से 3 दिन का समय लगेगा। उसके बाद मैं अपने बैंक अकाउंट में इसको विड्रॉ कर सकता हूँ अपनी कमाई को, तो कोई डरने वाली बात नहीं होती कि यहाँ पर पैसा डिपॉजिट होगा, विड्रॉ आराम से होगा कि नहीं होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। लोगों का फंड यहाँ पर पता है, अगर मैं आपको बताऊँ तो इतना इतना करोड़ों करोड़ों में फंड रहता है लोगों का, प्रॉफिट होता है। इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो 5,000 करोड़ से ट्रेडिंग करते हैं, 5,000 करोड़ से। उसके बाद प्रेजेंटली इंडिया का जो लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो दो हैं, एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,
दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। हम बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। पहले इसको बोला जाता था स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई, इसको 1875 में स्टैब्लिश करा गया था। उस टाइम पर इसको बोला जाता था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। ट्रेडिंग जो है शुरू से इसमें होती हुई आई है, इक्विटी में, करेंसीज में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, डेरिवेटिव्स में, म्यूचुअल फंड्स में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इंडिया INX को भी स्टैब्लिश करा था, इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन द गिफ्ट सिटी अहमदाबाद। उसके बाद आपने अक्सर सुना होगा जो टीवी में आता है BSE NSE वर्ड यूज़ नहीं करते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि सेंसेक्स इतने पे चल रहा है, राइट, यही बोलते हैं ना। तो मैं अगर आपको इंडेक्स दिखाऊं, ये सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स लिखा हुआ है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स कुछ भी नहीं है, मतलब वही जो कंपनीज होती है, मतलब वही है। तो आपको इसका चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह ही दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका कुछ अलग चीज है। सेंसेक्स एक पॉपुलर इंडेक्स, ये सब इंडेक्स है BSE का। सेंसेक्स एक फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड स्टॉक इंडेक्स होता है। जैसे निफ्टी 50 कितनी कंपनीज का इंडेक्स होता है, कितनी फ्री फ्लोटिंग कंपनीज का इंडेक्स होता है, 50 का। सेंसेक्स कितने का होता है, सेंसेक्स होता है 30 वेल एस्टैब्लिश कंपनीज का। बेस ईयर जो लिया जाता है सेंसेक्स का, वो बेस ईयर है इसमें 1978 to 79 लिया जाता है, विद अ बेस वैल्यू ऑफ 100। जो लिस्ट होता है, द लिस्ट ऑफ दीज 30 ब्लू चिप कंपनीज इज रिवाइज टाइम टू टाइम। और यही जो ब्लू चिप कंपनीज होती है ना श्रेया, ये थोड़ी दमदार कंपनीज होती हैं। अच्छा ठीक है, मिल गई ना पीडीएफ। हाँ, तो यहां पर ये जो ब्लू चिप कंपनीज होती है ना, ये ब्लू चिप कंपनीज ही होती हैं गुड पेनी स्टॉक्स। मैं सारी ब्लू चिप कंपनीज को अच्छा पेनी स्टॉक नहीं कह रहा हूं, वो जो सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड है वो होती है, ठीक है। सेंसेक्स का भी ऑप्शन चेन होता है, यहाँ पर देखो ये है सबसे दूर का, इसकी एक्सपायरी देख लो कितनी पास पास होती है, 1 सितंबर, 8 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर। ये जो एक्सपायरी होती है इसकी ऑप्शंस की, इसको क्या कहते हैं, ऑप्शंस ही है, वीकली एक्सपायरी। निफ्टी 50 की भी होती है क्या इतनी वीकली एक्सपायरी? जी हाँ बिल्कुल, निफ्टी ऑप्शन चेन देखो इसकी एक्सपायरी 31 अगस्त को इसकी एक्सपायरी है, उससे पहले 24 अगस्त को है, और आज भी एक्सपायरी। आज कौन सा डे है, थर्सडे, ठीक है। यहाँ ऊपर देखो नोटिफिकेशन में क्या आया था, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक्सपायरी, ऑल इंट्राडे पोजीशन विल बी स्क्वायर्ड ऑफ। एक्सपायरी का मतलब क्या श्रेया, याद है इसमें कुणाल के, एक सेकंड रुकना, निफ्टी ऑप्शन चेन ये रहा, आज 17 अगस्त की एक्सपायरी है 17 अगस्त की एक्सपायरी, ठीक है। तो एक्सपायरी का होने का क्या मतलब है, आज 17 अगस्त से मार्केट कब खत्म हो जाएगी, 17 अगस्त का दिन कब खत्म, ट्रेडिंग के लिए कितने बजे,
3:30 बजे, है ना? प्रॉफिट लेना है या लॉस करना है, मेरे को 3:30 बजे से पहले क्लोज करना पड़ेगा ना अपनी पोजीशन को, है ना? और मैं अगली पोजीशन कब के लिए बिल्ड कर सकता हूं? 24 अगस्त, इसके बाद 31 अगस्त। अब देखो श्रेया, एक चीज याद है बिस्में के, मैंने आपको ये बताया था कि लिक्विडिटी वर्ड मैंने यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर अलग कंटेक्स्ट में यूज़ करा था कि बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए जल्दी जल्दी, है ना? स्टॉक ऑप्शन में कमोडिटीज़ में दूर दूर के नहीं मिलते ना, 2-3 महीने के बायर्स नहीं मिल रहे थे ना हमें। जैसे हम गोल्ड पे गए थे जिसमें, तो अक्टूबर का कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई बायर सेलर ही नहीं था, है ना श्रेया? कोई अवेलेबल ही नहीं था, कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो इंडेक्स होते हैं ना, यहाँ पर बड़े दूर दूर के बायर्स होते हैं, बायर सेलर्स के बीच में फाइट चलती है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, अभी तो खैर मैं काफ़ी दूर चला गया, 2026 तक में भी श्रेया, अभी भी आज से ही ऑप्शन और फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट देखो बाय सेल होना शुरू हो गए 2026, 31 दिसंबर, 2027, 28, 2028 में कुछ नहीं है, 2027 तक के अवेलेबल हो गए थोड़े थोड़े, 2024 ऑब्वियसली वजह इतनी दूर के तो पास के तो होंगे ही होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी वाले हैं कि नहीं है? इंडेक्स काफ़ी लिक्विड लिक्विडिटी होल्ड करके रखता है। ऐसे ही एक होता है, मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखो इसकी भी वीकली एक्सपायरी है 31 अगस्त, 7 सितंबर, 14 सितंबर, जस्ट लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी, राइट? तो याद रख लेना, एक चीज़ लिख लेना यहाँ पर, जो इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स की जो ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है ऑप्शंस ट्रेडिंग की, देखो फ्यूचर तो आपको पता है वो मंथ के एंड पे एक्सपायर होता है ना, इतना तो पता ही है आपको, ऑप्शंस की लेकिन इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी होती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टॉक्स, इक्विटीज, कमोडिटीज, करेंसी, तो क्या होता है मंथली एक्सपायरी होती है उनकी, है ना? जनरली मंथ की होती है, वो एक डेट के साथ होती है। तो द लिस्ट ऑफ 30 ब्लू चिप कंपनीज इज रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। निफ्टी की भी तो जो 50 कंपनियां होती है, क्या हमेशा 50 वो फिक्स हैं? अंदर बाहर उसके अंदर कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो सेंसेक्स है, इट इज टोटल वेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 ब्लू चिप कंपनीज डिवाइडेड बाय इंडेक्स डिवाइजर। अब इंडेक्स डिवाइजर कुछ नहीं होता, जैसे ये जो पूरे का पूरा जो कंपाइलेशन नहीं बनता है जो, उसको सेंसेक्स कहते हैं। कंपाइलेशन जैसे इंडेक्स डिवाइजर कुछ नहीं है ये, आप जाओ यहाँ पर सेंसेक्स पर, उसके बाद किसी पे भी क्लिक कर दो, फ्यूचर समरी, फिर इसका ये जो चार्ट है इसको कहा जाता है इंडेक्स डिवाइजर। ओके, उसके बाद एट द मार्केट क्लोजिंग ऑफ 11 मार्च 2022 सेंसेक्स स्टूड एट 55,550.30। अच्छा अभी भाई साहब इसको बताओ कि यहाँ टच कर कर आया, हाई देखो इसका कितना हाई यहाँ पर लिखाएगा, हाई है 67,619 20 जुलाई 2023 को, तो यहाँ अपडेट कर लो। सेंसेक्स स्टूड एट कितना गया सेंसेक्स हाई 67,619.15, है ना? 0.15। और यहां क्या लिखोगे? ऑल टाइम हाई। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? एनएसई पे चले, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको 1992 में सेटअप करा गया था एंड इट वॉज इंडियाज फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज विद द नेशन वाइड प्रेजेंस। मतलब पहली बार जब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते थे तो किसके थ्रू कर सकते थे? NSE के थ्रू। इट इज ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट डीमेटलाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नॉन पेपर,
तो यानी कि जब मैं अकाउंट ऐसे किसी स्टॉक एक्सचेंज में खोलता हूं तो मेरे अकाउंट को क्या कहा जाता है श्रेया? कैसा अकाउंट? ये कह रहा है डीमेटलाइज, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? कौन सा अकाउंट? डीमेट अकाउंट, ठीक है? हाँ जी, डीमेट अकाउंट। तो ये मेरा डीमेट अकाउंट है ना, ये मेरा डीमेट अकाउंट। तो एनएससी इज द लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। बीएसई से भी ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स यहां पर है। ज्यादातर लोग ट्रेड जो करते हैं वो एनएससी में ही करते हैं, जबकि बीएससी में ज्यादा स्टॉक्स अवेलेबल हैं। लेकिन बीएससी में क्यों नहीं लोग प्रेफर करते हैं मतलब ट्रेड करना? क्योंकि वहां पर ना जो बीच बीच में क्या होता है, इसमें जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना वो काफ़ी हैं बीएससी में। और श्रेया, जो एक अच्छा ट्रेडर होगा, अभी तक आप समझ ही गए हो, पेनी स्टॉक के अंदर वो पैसा लगाना मतलब थोड़ा अवॉइड करेगा। अगर ग्रोथ हो भी जाए तो वो बहुत स्लो ग्रोथ होती है, राइट? अच्छी कोई कंपनी जो उनके स्टॉक सस्ते हो, हम उसको नाम नहीं दे सकते पेनी स्टॉक्स का, लेकिन पेनी स्टॉक अपने आप एक ब्लू चिप कंपनी जो होती है, जो नई नई सेटअप हुई है, हमें क्या पता उनका धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छी अच्छी कंपनी जिसके बारे में हम इतने साल से सुन रहे हैं, नाइका, पेटीएम, है ना, जब इनके आईपीओ वगैरह खुले तो देखा कैसे मतलब जिस दिन ये खुले थे तब उस दिन हाई पे थे, लेकिन उसके बाद देखो कैसे धोखा दिया उन्होंने, है ना। उसके बाद हेडक्वार्टर जो है एनएससी का, इट इज लोकेटेड इन मुंबई। एनएससी अलाउज फॉर न्यू लिस्टिंग, आईपीओस, डेट इशुएंस, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स बाय ओवरसीज कंपनीज ऑल्सो, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अलाउ करता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी, ठीक है, और नए नए आईपीओस वगैरह लिस्ट करना भी अलाउ करता है ये, ठीक है। ये बीएससी काम नहीं करता, जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और ईटीएफ पे गया, आज एक आईपीओ आने वाला था ना, ये रहा, आ गया, याद है श्रेया, कल हमने इसको पढ़ा था रात को कि 17 अगस्त को लॉन्च होने वाला है ना, आ गया ये। तो अगर हम देखें इसको, कितना खरीदना पड़ेगा इसको, मिनिमम 144,000 का, 3,000 के शेयर है मल्टीपल में, ठीक है। अब ये जो इसको इशू जो करा जा रहा है, ये एनएससी करवा रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे इशू, जिसका नाम है मतलब बीएससी एसएमई, ठीक है, ये नाम है इसका, पूरा कोड है इसका पूरा, उसके बाद NSE provides a trading platform for all types of securities, equity, debt, corporate, government and derivative. जो index होता है NSE का वो क्या होता है? Nifty. Full form क्या होती है इसकी? अलग अलग होती है, Nifty 50, Nifty 100, Nifty 200, Nifty 500. लेकिन सबसे best Nifty कौन सा होता है, जिसमें बाकी कुछ देखने ही ना पड़े हमें? सबसे बेस्ट निफ्टी, निफ्टी 50, ठीक है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्या निफ्टी 100 डालूँगा, तो सिर्फ निफ्टी अगर मैं डालूँगा, जो एक्चुअली निफ्टी के बारे में जो ये शो करता है, ये निफ्टी 50 ही शो करता है हमेशा। अगर मैं इसके चाहे फ्यूचर्स पे आ गया, या फिर अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर निफ्टी ऑप्शन चेंज, तब भी वो निफ्टी 50 के बारे में शो कर रहा है, यानी कि ओरिजिनल निफ्टी कौन सा है, ओरिजिनल नहीं मतलब बेस्ट निफ्टी कौन सा है आपका? निफ्टी 50, ठीक है, एनी आपका, ओके। उसके बाद विच इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 वेल एस्टेब्लिश और स्टेबल कंपनीज। क्या ये भी चेंज हो सकती है कंपनीज कुछ कुछ अंदर बार निफ्टी 50 के इंडेक्स को चेंज मतलब हो सकती है वो कंपनीज जो कि इनकॉर्पोरेट है ना। तो एट द मार्केट क्लोजिंग ऑफ 11 मार्च 2022 निफ्टी स्टूड एट 16,630.50।
यहाँ पर अपडेट कर लो, 28 जुलाई 2023, जस्ट लाइक दिस। निफ्टी स्टूडेंट कितना गया, यहाँ पर हम बनाते हैं निफ्टी कितना गया, 19,991.85। और इसको आप क्या कहोगे, ऑल टाइम हाई, ठीक है, 19,885। इधर तक गया, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये यहाँ दिख रही है टिप इसकी, देखो दिख रहा है यहाँ तक ये गया है, यहाँ तक है ना, ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, ये देखो ऑल टाइम हाई है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम ना कुछ एक पूरे का पूरा रिपोजिटरी ऑफ टर्म्स यूज़ करेंगे और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कि क्या क्या टर्म्स होती हैं। वैसे तो आप बहुत सारी टर्म्स इसमें से जान चुके हो, डीमैट अकाउंट, बुल मार्केट, बीयर मार्केट, नैसडैक, ब्लू चिप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग, जो बहुत सारी चीज़ें आप जान चुके हो, लेकिन हम कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और अगले लेक्चर में जो टर्म्स का बॉक्स आने वाला है इसी से जनरली प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे सेपरेट लेक्चर में, थैंक यू।